दाम आ जाएगा ये आपका 24,000। 24 कितना? 24 24। सुन है दोस्तों, कितना बोला? 24,000, मात्र 24,000 में मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अब आ चुका हूं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट और ये शोरूम आ चुके हैं। यहां पर सबसे पहले माइलेज वाली बाइक का आज इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। मॉडल क्या है, ओनर क्या है, कितनी चली हुई है, नाम ट्रांसफर में क्या खर्च लगेगा, इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। दोस्तों मेरे जो सिस्टर हैं, दीदी है और आंटी है, उन भाइयों और बहनों के लिए खास लाए हैं HRTM कार बाजार और बाइक बाजार में आपका स्वागत है। उन भाई और बहनों के लिए भी यहाँ पर स्कूटी लगी हुई है। तो दोस्तों आइए अब हम लोग HRTM कार बाजार के ओनर से मिलते हैं और जितनी माइलेज वाली और स्कूटी लगी है सारा डिटेल्स लेते हैं। दोस्तों आइए हम अब आपको मिलाते हैं HRTM कार बाजार के ओनर से। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। स्वागत है सब सबको, सभी को अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन। आपका नाम बताइए, शुभ नाम। मेरा नाम है हिरण शेख। एड्रेस समझाइए। एड्रेस है आपका रघुनाथगंज मुर्शिदाबाद जंगीपुर। बहुत सुंदर। फाइनेंस की सुविधा है? टू व्हीलर में फाइनेंस अभी नहीं है। नहीं है, ओनली फॉर कैश। पैसे ले आओ, बाइक ले जाओ, तो ना जो उनके नाम पर हो जाएगा। नाम ट्रांसफर में क्या खर्च? नाम ट्रांसफर अगर मुर्शिदाबाद का RTO का अंदर रहेगा तो आपका खर्च आ जाएगा 1600-1700 रुपये। पकड़ लीजिए, 1600-1700 रुपये में हो जाएगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा? आधार कार्ड और वोटर कार्ड। हाँ। हो जाएगा उसी में? हाँ हो जाएगा। फर्स्ट आज गाड़ी कौन सा दिखाएंगे मेरी बहन और दीदी और चाची के लिए, कौन सा दिखाएंगे? स्कूटी देख लीजिए, दोनों स्कूटी है। पहला स्टार्ट यहीं से करते हैं। कौन सा गाड़ी है ये? तो आपका 2019 का मॉडल है। हाँ हाँ, 20 का मॉडल है ये। हाँ, नंबर है आपका जंगीपुर RTO का है। हाँ हाँ, गाड़ी बिल्कुल कैशलेस गाड़ी है। हाँ देख सकते हैं, कैशलेस यानी एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। नहीं। वाह। और इसका ओनर कौन सा बताए हैं? फर्स्ट ओनर है। और दोस्तों देखिए इसमें डिस्क ब्रेक भी लगी हुई है, टायर का कंडीशन अगर देखा जाए वेल कंडीशन में गाड़ी खड़ी है, लुकिंग ग्लास भी अवेलेबल है, यानी गाड़ी में हम लोग देखा जाए कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दादा इसका दाम क्या रखे हैं? इसका दाम? हाँ दाम, इसका दाम रखे हमने 55 में। मेरे चाची मेरे दीदी आंटी के लिए कुछ आ जाएगा तो 2-3 हजार का इधर उधर कर देंगे हम। कर दीजिएगा ना, बहुत सुंदर। अगला कौन सा दिखाएंगे? अगला और स्कूटी है बागवान। हाँ हीरो की है? हाँ हीरो की। कौन सी? सुजुकी की है। सुजुकी बागवान। बागवान मॉडल बता दीजिए इसका। ये 2019। ओनर समझा दीजिए। फर्स्ट ओनर। कितनी चली हुई है? ये चली है 14,000। और टायर का कंडीशन अगर देखा जाए तो ठीक ठाक है। नंबर का की है? नंबर है बीरभूम RTO है। बीरभूम RTO की है और डिस्क ब्रेक लगी हुई है, लुकिंग ग्लास भी है। दादा इसका दाम समझा दीजिए। इसका दाम आ जाएगा आपका 50। इसमें भी कुछ कम बेसी हो जाएगा? हो जाएगा कम बेसी। कौन सा बाइक दिखाएंगे दोस्तों? ये ग्लैमर है। हाँ 2017 मॉडल ग्लैमर है। हाँ ठीक है। हाँ। गाड़ी का कंडीशन देख सकते हैं, कंडीशन भी अच्छा है, दुल्हन की जैसे। हाँ। लग रहा है, डिक्की नहीं है? नहीं, ग्लैमर में तो डिक्की नहीं रहता ना। नहीं रहता। मॉडल समझा दीजिए। 2016 मॉडल है। ओनर समझा दीजिए। फर्स्ट ओनर। कितनी चली हुई है? वो 16,000 चला हुआ है। माइलेज क्या देगी? माइलेज 60 मान लीजिए। और टायर का कंडीशन एकदम ठीक ठाक है? और दादा दाम समझा दीजिए। दाम ये आ जाएगा आपका 56 में हो जाएगा उनका। अगला कौन सा दिखाएंगे? और भी एक ग्लैमर है 18 का। 18 मॉडल है। ओनर समझा दीजिए। फर्स्ट ओनर है। नंबर समझा दीजिए। नंबर जंगीपुर RTO है। कितनी चली हुई है? ये 14,000 चला हुआ है। 14,000 18 का मॉडल है। हाँ। और देखिए टायर का कंडीशन एकदम ठीक ठाक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। लेने के बाद यदि आप बाइक देख रहे हैं, तो देखते ही आपका दिल पिघल जाएगा। तो दोस्तों अब हम लोग आपको बताने वाले हैं, आपका जो दिल बेकरार है दाम जानने के लिए, क्या दाम रखिए? दाम है आपका 51। ऑल इंडिया मेरा व्यूअर के लिए क्या? आपका व्यूअर के लिए आ जाएगा 49। सुपर स्प्लेंडर है 2011 का, 10 का। मॉडल गाड़ी तो देख सकते हैं आप। बिल्कुल। मॉडल समझा दीजिए। 2010 का मॉडल है। ओनर समझा दीजिए। फर्स्ट ओनर है। कितनी चली हुई है? तो ये चली हुई आपका 30 के आसपास ही होगा। नंबर बता दीजिए।
नहीं, ये 26 चला हुआ है, 26,000। दादा नंबर बता दीजिए। नंबर मुर्शिदाबाद आरटीओ का है। मुर्शिदाबाद आरटीओ है। आप जो दाम सुनने के लिए बेकरार है, दाम बताइए इसका। ये उसका दाम आ जाएगा आपका 37। उसमें भी कुछ कम हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अगला कौन सा दिखाएंगे? CBZ एक्सट्रीम है। हाँ, ये 2010 का मॉडल है। नंबर? नंबर है मुर्शिदाबाद, नंबर है मुर्शिदाबाद आरटीओ का। कितने चली हुई है ये? चली हुई है आपका, मान लीजिए लगभग कितना होगा, 40,000 के आसपास चला हुआ है। देखिए आगे डिस्क ब्रेक है, पीछे ड्रम है ना, डिस्क है, ड्रम है, ड्रम ब्रेक है। और देखिए इसका दाम बता दीजिए। दाम आ जाएगा ये आपका 24,000। कितना? 24। सुन है दोस्तों, कितना बोला? 24,000, मात्र 24,000 में मिल रहा है। आप आइए, फटाफट आइए। यदि ये वीडियो देख रहे हैं तो देर मत कीजिए, क्योंकि 24,000 वाला बाइक रहेगा भी नहीं। आप आइए फटाफट ले जाइए। अगला कौन सा दिखाएंगे? अगला ये होंडा स्टनर। हाँ, मॉडल बताइए। ये मॉडल है आपका 2012 का। उन्हें समझा दीजिए, फर्स्ट ओनर ही है। कितनी चली हुई है? चली है आपका 30 से 50 चला हुआ है, 53। हाँ, थोड़ा हल्का स्क्रैच है। अच्छा, जो कोई बात नहीं है। आगे डिस है, पीछे? पीछे डिस नहीं है, आगे डिस है। और कौन सी आरटीओ की है? ये आरटीओ मुर्शिदाबाद आरटीओ की है। मुर्शिदाबाद आरटीओ की। दादा दाम? दाम है आपका ये 26,000 रखा हुआ है। अगर आपका माध्यम में कोई आएगा तो 23 में हम कर देंगे। 23 में हो जाए। देखिए दादा राम रखे हैं, दाम रखे हैं 26,000। और मेरे चैनल के माध्यम से अगर आते हैं ऑल इंडिया माय व्यूअर्स, तो मात्र 23,000 में हो जाएगा। अगला कौन सा दिखाएंगे? सुजुकी का। सुजुकी है तो यूपी है, माइलेज का राजा है। माइलेज का राजा। ओनर समझा दीजिए। ओनर फर्स्ट ओनर है। मॉडल है आपका 2015 का। का मॉडल है। कितनी चली हुई है? चली आपका 25 से 30 के आसपास ही चला हुआ है। कौन सी आरटीओ की नंबर है? बहरमपुर मुर्शिदाबाद। दादा दाम? उसका दाम आ जाएगा आपका 26। अगला कौन सा दिखाएंगे? TVS स्टार सिटी है। ठीक है। मॉडल? ये मॉडल है आपका, ये भी 2016 का मॉडल है। ओनर समझा दीजिए। ओनर आपका सेकंड ओनर है। नंबर बता दीजिए। नंबर जंगीपुर आरटीओ का है। कितना चला हुआ है? चला हुआ भी आपका 20 से 22 तक आसपास ही डाला हुआ है। ठीक है, ठीक है। टायर का कंडीशन ठीक ठाक है? जंगीपुर आरटीओ नंबर बताएं। इन्फो सब डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। लेने के बाद कुछ खर्च नहीं करना पड़ेगा, तेल भरेगा चलेगा। दादा दामटा बोलूं, कत लागबे? दाम एटा लागबे आपनार, एमनि तो आपनार दाम आछे 38, एटा आपनार फाइनली दाम करे दा जाबे, ए आपनार मोटामुटी 33,000 टाका। देखुन सब्सक्राइबर जदि आमार नाम जदि बोलें तो 33,000 आपनि पे जाबे, तई तो दादा? নেক্সট বাইক কোনটা? নেক্সট আছে এটা বাজাজ সিটি 100। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটাও তেল সার্ভিস অনেক ভালো। মডেলটা? মডেল 2016 মডেল। ওনারটা? ওনার এটা আপনার সেকেন্ড ওনারই আছে। কত চলে হবে এটা? আপনার ওই মোটামুটি 31,000 চলা আছে। টায়ার কন্ডিশন কেমন আছে? টায়ার কন্ডিশনও ভালো আছে, খুব ভালো। লুকিং গ্লাস? লুকিং গ্লাস লাগা নাই, কাস্টমার বললে লাগিয়ে দাও। ডিমান্ড হইলে পরে লাগিয়ে দেবেন, তাই তো? দাদা এটা দাম কি দেখেছেন? দাম এটা আমরা এমনি 33,000 রাখা আছে। হ্যাঁ, এটা আপনার কাস্টমারের মাধ্যমে আসলে এটা আপনার 29,000 টাকা পর্যন্ত করে হয়ে যাবে। আর যদি বাংলায় আমার কোনো কাস্টমার আসে পশ্চিমবঙ্গ, ওটাও ওটা তাদের জন্য এটা নাম ট্রান্সফার তো অনেক কমে হয়ে যাবে, 16,000 টাকা, 1600 টাকার মধ্যে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, পুরো ইন্স্যুরেন্স তো সব ভরা আছে, শুধু আসবে 1600 টাকা দিবে, নাম ট্রান্সফার করে গাড়ি নিয়ে কমপ্লিট আছে। খুবই সুন্দর। আরো কোন বাইক দেখাবেন? এটা জিক্সার আছে। মডেল বলেন? জিক্সার আছে, এটা 18 গাড়ি আছে। হ্যাঁ, সুজুকি জিক্সার 18 মডেল। জিক্সার আছে। ওনারটা বলে দেন। ওনার এটা ফার্স্ট ওনারই আছে। ফার্স্ট ওনারই আছে, এটা 18 চলে হবে? চলা আছে আপনার ওই 26,000 মতো। 26,000। আগে ডিস ব্রেক আছে? আগে ডিস আছে, পিছনে ডিস আছে। পিছনে ডিস আছে। দাদা কালার তো ঠিকঠাক আছে, রিপেন্ট তো নেই এর মধ্যে? না না, রিপেন্ট নেই। দাদা কি দাম রেখেছেন? এটার দাম আছে আপনার 55। খুবই সুন্দর। দাদা যে আসবে পশ্চিমবঙ্গ ঝাড়খণ্ড থেকে, মানে অল ইন্ডিয়া থেকে যদি আপনার শোরুম আছে বাইক কেনার জন্য, তাদের জন্য কি কি ডকুমেন্টস থাকবে আর কি কি অফার থাকবে? ডকুমেন্টস, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড নিয়ে আসবে। হ্যাঁ, আর অফার বলতে কি, আমি গাড়িতে 5,000 বাড়িয়ে দিলাম, দিয়ে অফার করে দিলাম, ওরকম কোনো সিস্টেম নাই এখানে। সিস্টেম নাই? হ্যাঁ, গাড়িতে যতটা পারবো মিনিমাম প্রাইস দিব। হ্যাঁ, বিল, ঠিক আছে, গাড়ি ভালো দেওয়ার চেষ্টা করব, কাস্টমার বাকিটা নিজের উপর দেখে নেবে। হ্যাঁ, কমপ্লিট পেপারস করে দেব, ব্যাস হয়ে যাবে। হ্যাঁ,
व्यूअर्स, अरे हमारा सर से हम लोग विदा लेना चाहेंगे, बहुत अच्छा सर जानकारी दे चुके हैं, दादा आपको अनेक धन्यवाद আমার ভিউয়ার কে টাইম দেওয়ার জন্য, আমাকে দেব টাইম দেওয়ার জন্য, তো অনেক অনেক ধন্যবাদ দাদা, জানাই দাদা। তো আবার দোস্ত, আব হাম লোগ মিলতে হ্যায় আগলে ভিডিও পর। জয় হিন্দ, জয় ভারত, জয় ভারত।